हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कोडन बायोलॉजी में। टुडे आई एम गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट किंगडम है फंजाई। ये सबसे यूनिक किंगडम है। हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, सभी हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में ये तीन तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाए जाते हैं। एक सेपरोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेपरोफाइटिक मतलब ये ऑर्गेनिक, जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक होते हैं इसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, मतलब डेड एंड डीके सॉल्युबल ऑर्गेनिक को ये ऑब्जॉर्ब करते हैं। ये डेड मैटर पे हमेशा होता है। पैरासाइटिक नेचर मतलब ये लिविंग पर डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ये एसोसिएट करते हैं एल्गी के साथ जब, तो उसको लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन में क्या हो जाएगा, फंगी प्लस एल्गी, एल्गी और फंगी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। और जब ये रूट में होता है तो उसको कहते हैं माइकोराइजिया। माइको मतलब होता है फंगस, राइजा मतलब होता है रूट, तो उसको कहते हैं माइकोराइजिया। ये वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करता है। इसके सेल वॉल होते हैं काइटिन का बना हुआ और पॉलीसेक्राइड का, इसमें सेलुलोज नहीं होता है, सेलुलोज का सेल वॉल नहीं होता है इसमें। कुछ फंगस जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, सिर्फ यूनिसेलुलर जो ईस्ट होते हैं वो फिलामेंटस नहीं होते हैं। फंगाई आर कॉस्मोपोलाइटन, ओकर्स इन एयर वाटर सोइल एंड एनिमल एंड प्लांट्स। कॉस्मोपोलाइटन करने का मतलब है कि सभी जगह पाए जाते हैं, एनिमल में, प्लांट्स में, वाटर में, सोइल में, सब जगह। अब फंजाई का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में एक है हाइफा, दूसरा माइसीलियम, तीसरा राइजोइड। हाइफा होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ हाइफा कंटिन्यूस ग्रो करते हैं ट्यूब लाइक, कंटिन्यूस ग्रो करने के बाद अगर उसमें सेक्शन नहीं होता तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लेटेड होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीनोसाइटिक हाइफा। और अगर उसमें सेप्टा होता है, अगर उसमें पार्टीशन हो जाता है तो हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस होते हैं, इसको पार्टीशन को हम लोग कहते हैं सेप्टम। सेल वाल होते हैं फंगस एट सेल वाल होंगे, ये न्यूक्लियस है। तो ये हो गया सेप्टेड हाइफा और ये हो गया सीनोसाइटिक हाइफा। हाइफा है क्या, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग हाइफा कहते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर आता है इसमें माइसीलियम और राइजोइड। हाइफा ए फिलामेंटस फंगस होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं फंगस का, हम लोगों ने देख लिया। अब हाइफा का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। जब हाइफा, एक एक हाइफा ऐसे नेटवर्क बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल पिक्चर है माइसीलियम का। राइजोइड होता है एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होल्ड करता है फंजाई को नीचे से, ये एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस स्टोलोनिफर। ये ब्लैक ब्रेड मॉल्ड भी है, ये पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, ये राइजोइड का स्ट्रक्चर है। अब कुछ एग्जांपल इसका देखते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंगी होते हैं जैसे कि ईस्ट, इसको हम लोग यूज करते हैं ब्रेड और बियर बनाने में। कुछ फंगी होते हैं जो डिजीज काउज करते हैं प्लांट में, एनिमल में, जैसे कि वीट रस्ट पक्षीनिया के कारण होता है, ये गेहूं का डिजीज है। कुछ जो होते हैं वो सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बनाने में मदद, जैसे कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो है एंटीबायोटिक बनाने में मदद आता है। जैसे कि मॉल्ट्स हैं और ऑरेंज रॉट हैं या ब्रेड है, कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं या टूडस्टूल है, वाइट स्पॉट जैसे कि मस्टर्ड लीप्स में होते हैं, ये सभी पैरासाइटिक फंगस के कारण होते हैं, ये सभी डिजीज होते हैं फंगस के कारण। जैसे हम लोग देख सकते हैं घर में भी अगर ब्रेड रह जाता है तो दूसरे दिन ये वाइट कलर का या ब्लैक कलर का आ जाता है, वो फंगस के कारण ही आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि फंगस में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन इन फंगस। पहला है कि वेजिटेटिव मीन के कारण हो सकता है, जैसे कि फ्रेगमेंट हो जाना, फ्यूजन हो जाना, बडिंग हो जाना, जैसे ईस्ट में बडिंग होता है।
दूसरा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर से, जिसको हम लोग कोनिडिया कहते हैं, या स्पोरंजियो स्पोर कहते हैं, या जू स्पोर भी कहते हैं उसको, या ओडो स्पोर कहते हैं, या क्लेमिडियो स्पोर कहते हैं। तीसरा मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ऊ स्पोर के द्वारा होता है, एस्को स्पोर के द्वारा हो सकता है, जैगो स्पोर के द्वारा होता है, बेसिडियो स्पोर के द्वारा होता है। ये अलग अलग नाम क्यों है स्पोर के? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस में डिफरेंट डिफरेंट जब फ्रूटिंग बॉडी होता है तो उससे डिफरेंट टाइप के स्पोर जनरेट होते हैं। वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के कारण जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर जनरेट होते हैं उसको डिफरेंट टाइप के स्पोर होते हैं। सिंपली समझिए, ये हाइफा है, माइसीलियम बनाया, ऊपर वाले को हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं और नीचे माइसीलिया है। तो स्पोर में एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, नाम याद रख सकते हैं आप, और सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। अगर ये स्पोर का बात नहीं करते मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर ऐसे स्पोर की बात करते मतलब उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे कि हम लोग बात किए कोनिडिया का, तो ये है कोनिडियो स्पोर, जहाँ से कोनिडिया निकलेगा, ये फ्रूटिंग बॉडी हुआ, कोनिडियो स्पोर से निकलेगा कोनिडिया और इससे रिप्रोडक्शन हुआ, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक्सोजीनस है मतलब ये बाहर बन रहा है। अब जू स्पोर की अगर बात करेंगे तो ये जू स्पोरेंजिया है, यहाँ से जू स्पोर निकलेगा, जब इसमें फ्लैजेला होता है और जब ये फ्लैजेला लॉस्ट कर जाएगा तो बनाएगा सिस्ट, लॉस्ट फ्लैजेला ये सिस्ट बनाएगा और सिस्ट फिर ये डेवलप करेगा, जर्मिनेट करेगा यंग थैलस में और फिर ये जू स्पोर बनाएगा। तो ये एसेक्सुअल मोड का ये हो गया कोनिडिया, ये हो गया जू स्पोर की बात। अब हम लोग स्पोरेंजियम की बात करेंगे, स्पोरेंजियो स्पोर का, तो ये राइजोपस है, इसमें स्पोरेंजियो स्पोर बनता है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। अब क्या अंतर है, तो जू स्पोर और कोनिडिया में क्या अंतर है कि जू स्पोर जो होते हैं उसमें फ्लैजेला होते हैं, कोनिडियम फ्लैजेला नहीं होता है। ये जू स्पोर इनसाइड बनते हैं इंडोजीनस और ये कोनिडिया आउटसाइड बनते हैं जिसको हम लोग एक्सोजीनस कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल साइकिल का। इसमें तीन स्टेप मेनली इन्वॉल्व होते हैं, पहला प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और हैप्लोइड स्पोर। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। सबसे पहले माइसीलियम जो कि एन होता है, वन एन होता है, दो डिफरेंट टाइप का हैप्लोइड सेल माइसीलियम आपस में मिलेंगे और बनाएंगे हेट्रोकैरियोटिक स्टेज, मतलब दो अलग अलग न्यूक्लियस एक सेल में होंगे। ये हो गया कैरियोगैमी। अब होगा कैरियोगैमी का मतलब हो गया कि दो अलग अलग न्यूक्लियस कैरियोन जो है न्यूक्लियस वो फ्यूज करेंगे और बनाएंगे डिप्लोइड सेल जिसको हम लोग कहेंगे जायगोट। जायगोट बनने के बाद ये मियोसिस करेगा और हैप्लोइड सेल बनाएगा जिसको हम लोग कहेंगे स्पोर। ये हो गया प्लाज्मोगैमी, जिसमें कि दो अलग अलग हैप्लोइड सेल आपस में मिलेंगे, फ्यूज करेंगे और हेट्रोकैरियोटिक स्टेज बनाएंगे, दो अलग अलग न्यूक्लियस एक सेल में होंगे। इसके बाद कैरियोगैमी होगा, कैरियो मतलब हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लोइड सेल बनाएगा जायगोट और फिर जायगोट का मियोसिस डिवीजन होगा जिसमें हैप्लोइड स्पोर बनेंगे और जब हैप्लोइड स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वो बनाएगा माइसीलियम और ऐसे ही सेक्सुअल लाइफ साइकिल उसका चलते रहेगा। अगर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होगा तो माइसीलियम से डायरेक्ट जो है वो माइटोसिस करके स्पोर बनाएगा, ये भी हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है और फिर हैप्लोइड से स्पोर से ही ये जर्मिनेट करके माइसीलियम बन जाएगा। ये एसेक्सुअल साइकिल है। कुछ स्टेज होते हैं इसमें, जैसे कि डायकैरियोटिक स्टेज, डायकैरियोफेज जिसको कहते हैं हम लोग, ये ज़्यादातर एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में होते हैं। एक्चुअली डायकैरियोटिक स्टेज है क्या, जैसे ही दो ये अलग अलग, एक माइसीलिया है दूसरा ये माइसीलिया है, जब ये प्लाज्मोगैमी होगा दो फ्यूज करेगा तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाए, अगर फ्यूज कर जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कैरियोगैमी। लेकिन कैरियोगैमी के पहले, फ्यूज करने से पहले, ये दोनों न्यूक्लियस बहुत समय तक साथ में रहते हैं बिना फ्यूज किए हुए, एक ही सेल के अंदर जब दो न्यूक्लियस इस तरह से साथ में रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायकैरियोटिक। डायकैरियोटिक करने का मतलब, तो डाय मतलब दो, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, डायकैरियोटिक स्टेज इसी को कहते हैं, इस फेज को हम लोग कहते हैं डायकैरियो फेज ऑफ फंगस। ये ज़्यादातर एस्कोमाइसिटिस में और बेसिडियोमाइसिटिस में होते हैं। जब हम लोग एस्कोमाइसिटिस आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा
ये किस तरह से डायकैरियोटिक फेज आता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द ऊ स्पोर, एस्को स्पोर, जैगो स्पोर और बेसिडियो स्पोर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिडियो स्पोर का। यहाँ हम लोग देखेंगे कि डायकैरियोटिक फेज क्या है। अब प्लाज्मोगैमी हुआ, दो अलग अलग माइसीलिया है आपस में मिला तो ये प्लाज्मोगैमी हुआ, मतलब अभी एक सेल में दो न्यूक्लियस हैं। अब ये माइटोसिस कर रहा है, मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस है और ये माइटोसिस कर रहा है, मतलब हर एक सेल में जो माइटोसिस के बाद होगा हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस होंगे। यहाँ कैरियोगैमी नहीं हुआ, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं किया है। इसके बाद ये बना देगा बेसीडिया। बेसीडिया के बाद यहाँ पर अब ये कैरियोगैमी होगा, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा और ये अब बनाएगा जैगोट जिसमें कि एक न्यूक्लियस होगा और ये होगा 2n का। अब इसमें मियोसिस होगा और 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई बनेगा लेकिन एक ही सेल के अंदर रहेगा। जब एक ही सेल के अंदर इस तरह से 4 न्यूक्लियस रहेंगे इसको हम लोग कहते हैं बेसीडियम विथ 4 न्यूक्लियाई, मतलब 1n प्लस 1n प्लस 1n प्लस 1n, अलग अलग न्यूक्लियस है लेकिन 4 न्यूक्लियस हैं। अब इसमें सेल डिविजन बनेगा और ये बनाएगा एक सेल में एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं बेसिडियो स्पोर। इसमें डायकैरियोटिक स्टेज आया यहाँ पे, इसको हम लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं एस्को स्पोर का। एस्को स्पोर क्या है? ये न्यूक्लियर फिजम, ये डायकैरियोटिक स्टेज है, इसमें दो न्यूक्लियस है एक सेल में। अब ये फ्यूज करके बनाएगा जायगोट, ये जायगोट बनाया 2n का। अब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस तो हुआ लेकिन इसका सेपरेशन नहीं हुआ। इस तरह से सेपरेशन जब नहीं हुआ इसमें और इसी में माइटोसिस हो गया तो बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं ये इसको स्पोर जो हैं अंदर में हैं ये बने, तो ये छोटे छोटे जो अंदर है उसको कहते हैं इसको स्पोर और जिसमें ये है उसको हम लोग कहते हैं एस्कस। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। तो जहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊ स्पोर है, जहाँ देखेंगे इसको स्पोर है, जैगो स्पोर है, बेसिडियो स्पोर है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। जैगो स्पोर क्या है? हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं, दो अलग अलग हाइफा जब आपस में मेटिंग करते हैं मिलते हैं तो ये बनाता है गेमिटेंजिया, इसके बाद बनाता है जैगोट। और जब 2n जैगोट जो है स्पोर, जैगोट से जब स्पोर का डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं जैगोस्पोर जो कि 2n का होता है। जैगोस्पोर 2n का है जबकि एस्को स्पोर 1n का था, वो n का था, वो हैप्लोइड था लेकिन ये डिप्लोइड है। अब हम लोग बात करेंगे ऊ स्पोर की। तो ऊ स्पोर क्या है? अब कहीं एक जगह से जैसे कि ये हाइफा है, इस हाइफा के लिए, इस हाइफा के लिए दोनों आपस में मैटिंग होगा, एक होगा ऊगोनियम दूसरा एंथ्रीडियम, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बनाएगा ऊ स्पोर, मतलब ऊ स्पोर भी क्या है, ये 2n है और ये फिर जर्म स्पोरेंजियम में बदल जाएगा, ये 2n होगा और फिर इसका जर्मिनेशन होगा और फिर ये हाइफा बनाएगा। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। अलग अलग टाइप के स्पोर देख लिए, कैसे सेक्सुअल में स्पोर बनता है, कैसे सेक्सुअल में स्पोर बनता है। अब आते हैं टाइप ऑफ फंगस पे। पहला टाइप है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो पहला हम लोग बात करें फाइकोमाइसिटीज पे। ये एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं, ये डिकेइंग वुड या मॉस्ट पे रहता है या डंप प्लेस जहाँ पर होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है साथ साथ रहना, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का काम मतलब ये उसके बिना नहीं जी सकता, मतलब ये हमेशा पैरासाइटिक नेचर के ही होंगे प्लांट पे। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जू स्पोर के मदद से, उसको हम लोग कहते हैं अपलेनो स्पोर भी कहते हैं, जो नॉन मोटाइल होता है, जो मोटाइल होता है उसको जू स्पोर, क्योंकि जू स्पोर में फ्लजेला होते हैं, अपलेनो स्पोर में फ्लजेला नहीं होते हैं। इसका जो माइसीलियम होगा वो एसेप्टेड होगा, एसेप्टेड कहने का मतलब ये माइसीलियम है इसमें सेप्टा नहीं है, मतलब इस तरह का इसमें सेप्टा नहीं है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे एक ही में, मतलब इसको कहेंगे सिनोसाइटिक हाइफा। ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें जैगोस्पोर बनता है। जैगोस्पोर में दो अलग अलग गैमिट का फ्यूज़न होता है जो जैगोट बनाता है और जैगोट से फिर बनता है जैगोस्पोर। अब इसमें जो गैमिट बनते हैं ये या तो सिमिलर मॉर्फोलॉजी में होंगे या तो डिसिमिलर होंगे। अगर ये मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोगैमस, अगर ये डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी में होंगे तो उसको कहेंगे एन आइसोगैमस या ऊगैमस।
इसका कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जैसे कि म्यूकर, राइजोपस कहते हैं जिसे अभी हम लोगों ने देखा था, ब्रेड मॉल्स जो हैं, और दूसरा एल्बुगो जो पारासाइटिक फंजी होते हैं मस्टर्ड प्लांट पे। अब नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटी, इसको हम लोग सैक फंजी भी कहते हैं। सैक फंजी क्यों कहते हैं अभी हम लोगों को पता चल जाएगा। एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट जिसको हम लोग सेकरोमाइसिस एक एग्जाम्पल है, और मल्टीसेलुलर भी होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, पारासाइटिक हो सकते हैं या कोप्रोफिलस हो सकते हैं, मतलब ये डंग में भी ग्रो करते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब सबसे हम लोग डेड एंड डीके पे जो जिंदा रहता है, डीकम्पोजर मतलब डेड एंड डीके को जो डिकम्पोज करता है मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है। पारासाइटिक मतलब लाइव ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंड होता है। कॉप्रोफिलस मतलब जो डंग पे ग्रो करता है। इसके जो माइसिलियम होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है कोनिडिया के कारण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एस्कोस्पोर बनता है, इसीलिए इसको एस्कोमाइसिटीज कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एस्कोस्पोर हम लोग समझ गए थे कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और आप बहुत सारे एस्कोस्पोर्स होते हैं एक ही एस्कस में, हम लोगों ने देखा है पीछे। ये इंडोजीनियसली बनेगा, ये अंदर में ही बनता है एस्कोस्पोर सेकला के स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसको सैक फंजी भी कहते हैं। दीज एस्किस आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द एस्कोकार्प्स, हम लोग देख लिए हैं पीछे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये मेन एग्जाम्पल इसको लेते हैं क्योंकि इसको बहुत सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में इसको एज ए रोल मॉडल यूज करते हैं। मेनी मेंबर्स लाइक द मोरेल्स वेफेल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस। कुछ मशरूम्स होते हैं, मशरूम भी तो फंगस ही है ना, कुछ मशरूम्स हम लोग खाते हैं जो एडिबल होते हैं। अब नेक्स्ट है बेसिडियो माइसिट्स। कॉमनली ये जाना जाता है कि बेसिडियो माइसिट्स जो होते हैं वो मशरूम हैं, ब्रैकेट फंजी या फफ बॉल की तरह होते हैं। इसको हम लोग डेकोरेशन में भी लगाते हैं या इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ये सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और ये ट्री स्टम्प में करते हैं अनलॉग। लिविंग प्लांट बॉडी पे एज ए पारासाइट भी सर्वाइव कर सकते हैं जैसे कि रस्ट एंड स्मट। इसके माइसिलियम ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेड होते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है नहीं पाया जाता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्स ऑर्गन इसमें अब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इसमें होता है, मतलब दो माइसिलियम जो हैं वो आपस में मिलते हैं लेकिन सेक्स ऑर्गन इसमें नहीं होता, जैसे कि दूसरे में एंथ्रीडियम होता है, ऊगोनियम होता है, तो ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें बस फ्यूजन होता है टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल का, जो कि डिफरेंट स्ट्रेन के होते हैं, जीनोटाइप के होते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक। डायकैरियोटिक स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए हैं कि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का होना अल्टीमेटली गिव्स राइज टू द बेसिडियम, और जो कि बेसिडियम देता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम, उसी में कैरियोगैमी होता है, मतलब ये डायकैरियोन जो होते हैं फिर आपस में फ्यूज कर जाते हैं, कैरियोगैमी हो गया, और वहीं पे मियोसिस भी होता है और ये बेसिडियो स्पोर बनाता है, मतलब बेसिडियो स्पोर जो होते हैं वो एन होते हैं। दो स्पोर हम लोग समझ गए, जैगो स्पोर 2N होते हैं, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर जो होते हैं वो एन होते हैं, और ऊ स्पोर 2N होते हैं, ये याद रखना है। बेसिडियो स्पोर एक्सोजिनसली बनता है बेसिडियम में। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडी कॉल द बेसिडियो कार्प्स, हम लोगों ने ये सब स्ट्रक्चर देख लिया है पहले ही। अब कुछ कॉमन मेंबर हैं जैसे एग्रिकस मशरूम है, जैसे कि स्टुलेगो स्मट है, पक्सिनिया रस्ट फंगस है। इन परफेक्ट जो है फंजी कहते हैं, मतलब ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, हम लोग देखते हैं आगे। बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस
ऑफ दिस फंगियाट नॉन, अभी तक जो पाया गया इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया है, एसेक्सुअल होते हैं या वेजिटेटिव होते हैं, और जो भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं वो जो सुटेबल द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नॉन एज द कोनिडिया। माइसिलियम आर सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक पारासाइटिक वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर। हम लोग बेहतर समझते हैं पारासाइटिक क्या है, जो लिविंग पर डिपेंड होता है, सेप्रोफाइटिक जो डेड पर डिपेंड होता है, और डीकम्पोजर जो डेड एंड डीके को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइसिटिस, ग्रुप होता है उसमें डाल दिया जाता है। चूंकि ये डीकम्पोजर है इसीलिए मिनरल साइक्लिन में भी हेल्प करेगा। कुछ एग्जाम्पल इसका जैसे कि अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अब क्विक रिविजन कर लेते हैं हम लोग किंगडम फंगाई का। पहला टाइप है फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिट्स, एसिडोमाइसिट्स और ड्यूटोमाइसिट्स। तो कॉमन नेम इसका कुछ खास कॉमन नेम नहीं है। माइसिलियम इसमें कैसा होता है, सिनोसाइटिक होता है, मतलब कि इसमें सेप्टेड नहीं होता, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जो एस्कोमाइसिट्स हैं उसमें ब्रांच और सेप्टेड होते हैं, जो बेसिडोमाइसिट्स हैं उसमें ब्रांच और सेप्टेड होते हैं, और इसमें भी ब्रांच और सेप्टेड होते हैं। सिर्फ फाइकोमाइसिटिस में ये सिनोसाइटिक नेचर के होते हैं। अब अगर एसेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे तो जू स्पोर होते हैं फाइकोमाइसिटिस में, इसमें कोनीडिया होता है, वेजिटेटिव होता है सिर्फ, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता और इसमें कोनीडिया होता है, सिर्फ एसेक्सुअल ही होता है इसमें। अब जैगो स्पोर होता है फाइकोमाइसिटिस में, एस्को स्पोर होता है एस्कोमाइसिटिस में, बेसिडियो स्पोर होता है बेसिडोमाइसिटिस में, इसमें नहीं पाया जाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर ही उसका नाम भी पड़ा था। अब इसमें एग्जांपल अगर फाइकोमाइसिटिस का देखेंगे त्राजोपस एल्बुगो, अगर एस्कोमाइसिटिस का देखेंगे एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, और अगर बेसिडोमाइसिटिस का देखेंगे तो एग्रिकस पक्सिनिया, और ड्यूट्रोमाइसिटिस का अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। ये था क्विक रिविजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें और दूसरों को मदद करें। अगर आपके मन में बायोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल है इस चैप्टर से, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, या किसी और टॉपिक से या चैप्टर से, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्दी, बी हैप्पी।